अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज है हमारा डे 6 और माशाल्लाह सुधा हमारा बेहतरीन माशाल्लाह ग्रोथ में डे 6 ये चीज़ा बिल्कुल क्लोज किया हुआ है। आज असल में हमारा है वैक्सीनेशन का दिन, एंडी कोल्ड का इंजेक्शन। अच्छा व्यूअर्स, हमने इनको क्लोज आज किया है, बहुत बिल्कुल क्लोज, इनके उधर से जो जगह थी वो हमने खाली करवाई है। वैक्सीनेशन का अमल अभी होने लगा है, इंजेक्शन भी लगेगा और ड्रॉपिंग भी होगी, तो इनको यहाँ पे वैक्सीनेटर्स बैठेंगे इस पार्टीशन के पास, तो यहाँ से चूजे को इंजेक्शन और ड्रॉपिंग करवा के वो दूसरे जहाँ पे अंधेरा है उस साइड पे फेंकते रहेंगे। इस तरह हमारी मुकम्मल इस गार्ड की वैक्सीनेशन हो जाएगी। अभी सारा आपको अमल दिखाएंगे इंशाल्लाह। जी भट्टी साहब, सलाम अलैकुम। अस्सलाम सर। सर ये बताएं कि आज जो नया मरला वैक्सीनेशन का शुरू किया है, माशाल्लाह 6 दिन हमारे कंप्लीट हो गए हैं जी, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि क्या वैक्सीनेशन आप करवा रहे हैं। सर जी वैक्सीनेशन ये तो अमूमन ऑलरेडी करवानी चाहिए 5वें या 6ठे दिन पर। ठीक है, हमने इस चूज़े का करवाया था टाइटर। ठीक, टाइटर उसे कहते हैं कि चूज़े की कुव्वत मुदाफ़त, चूज़े में इम्यूनिटी क्या कितनी स्ट्रॉन्ग है। ठीक, वो टाइटर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग आया, अच्छा आया है। हमें असूलन तो हमें वैक्सीन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन एज़ पर शेड्यूल, एज़ पर मतलब चूज़े का इन्वायरमेंट, माहौल के मुताबिक हम इसे इंजेक्शन लगवाएंगे। आज हम इसकी वैक्सीनेशन स्टार्ट कर रहे हैं, और वैसे तो इसकी 5वें 6ठे दिन पर वैक्सीन बनती थी, लेकिन हम इसको 2 दिन आगे लेके गए हैं 7 डेज़ पर। 7 डेज़ पर लेके जाने का मतलब है इसका अगर 6ठे दिन या 5वें दिन पर हम इसका इंजेक्शन जब लगवाते हैं तो इसका टाइटर स्टार्ट बनना होता है 21-22वें दिन पर। अब हम 2 दिन आगे गए हैं, इसीलिए आगे गए हैं कि हमारे चूज़े का जो टाइटर था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, हेल्दी था। हम इसको अब 7वें दिन पर इसलिए स्टार्ट करवाया कि इसका अब टाइटर स्टार्ट हो जाएगा 24-25 दिन से। वो हमें 24-25 दिन से लेके जो इसका एंडिंग पॉइंट है वो हमारा चलेगा 38-40 दिन। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा कौन सी वैक्सीन हो रही है? ये इंटरविट की वैक्सीन हो रही है, एंडी केल्ड की और माउथ ड्रॉपिंग इसको NDIV की। NDIV, अच्छा एक स्प्रे भी तो IV की थी, तो अब माउथ ड्रॉपिंग स्प्रे थी IV की। ठीक है, ये वो जो स्प्रे थी वो जस्ट ऊपर से शॉवरिंग कर दी थी, जैसे कि पिछली वीडियो में भी आपने देखा होगा। ये जो अब इसके चूज़े का मुंह खोल के इसके अंदर हम एक ड्रॉप इनहेल करते हैं, वो हलक से नीचे तो नहीं उतरता, वो मुंह में ही रिज्यूम हो जाता है। अच्छा इस वैक्सीनेशन का फ़ायदा भी बता दें जो नए नाज़रीन हैं। वैक्सीनेशन का फ़ायदा ये है कि जब जो भी मिसाल के तौर पर एंडी किल्ड जो हम लगवा रहे हैं, वो एंडी किल्ड इसलिए लगवाते हैं कि एक बीमारी है एंडी, वो जब एंडी आ जाए तो वो आ तो इसमें भी सकती है, अल्लाह ना करे कि ऐसा कोई मतलब हो, चांसेस इंजेक्शन के बाद भी होते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा सेफ हो जाता है कि जी हमारा चूज़े की कुव्वत मुदाफ़त बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर वो खुदा ना खास्ता एंडी एक बीमारी चूज़े पर अटैक करती है तो ये उसके ख़िलाफ़ लड़ती है। अच्छा अच्छा, ये ऐसे ये जैसे कोरोना की वैक्सीनेशन वगैरह हो रही है, कोरोना की वैक्सीनेशन, ह्यूमन की वैक्सीनेशन, पोलियो वगैरह की, बॉडी के अंदर ऐसे जर्म्स इनहेल किए जाते हैं कि चूज़े की कुव्वत मुदाफ़त को वो बढ़ा दें ताकि चूज़ा उस वायरस के खिलाफ लड़ सके। अच्छा, इसके साथ साथ अब आप मेडिसिन कौन सी इस्तेमाल करवा रहे हैं? हम इसके साथ मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, आज जिस तरह के इसको चूज़े को इंजेक्शन हो रहा है इसके साथ, तो हमने हिफाजती जो पैरासीटामोल है कि जैसे ही मिसाल आप ह्यूमन साइड पे, हम बच्चों की भी एक मिसाल ले लें कि जब भी आप एक बच्चे को घर में कोई वैक्सीन करने आता है तो वो आपको रिकमेंड करता है कि जे इसे यहाँ इस जगह पर अगर स्वेलिंग हो तो बर्फ़ लगाएं, अगर इसको बुखार हो तो पैनाडॉल के ड्रॉप दें। सेम लाइक हम भी इसे ऐसे ही कर रहे हैं कि अगर तो इसे फीवर हुआ तो हमने ऑलरेडी टैंकी में डाल दिया, हो या ना हो हमारा इसे पैरासीटामोल पैनाडॉल वगैरह इसे दिया जाएगा। अच्छा, इसके बाद यानी वैक्सीनेशन के बाद आप इसको पैनाडॉल वगैरह दे देंगे? हाँ, और इसके अलावा मल्टीविटामिन वगैरह? नहीं, हमने अभी से स्टार्टर टैंकी में पानी बना दिया इसका पैनाडॉल, यानी चल रहा है पैनाडॉल, जैसे जैसे इंजेक्शन लगता जाएगा जिस जिस चीज़ों को
एक्चुअली सुरिंज जब चूज़े की जब नीडल अंदर जाती है तो चूज़ा कुछ सेकंड के लिए मदहोश बेहोश सा हो जाता है, फिर वो 10-12-15 मिनट लेता है दोबारा अपने रिकवरी टाइम में आते हुए, जब वो रिकवरी होती है उसकी तब वो नीडल इंजेक्ट करता है जो पानी वाली, ये आप देख रहे होंगे कि ये पानी वाली जो नीडल्स हैं इसको चोंच मारता है इसमें पानी आता है तो वो पी लेता है, तब उसे जाके वो पेन का एहसास नहीं होता। ठीक है ठीक है, इसके बाद भी आपकी वैक्सीनेशन का कोई प्रोसीजर है? इसके बाद हमारा प्रोसीजर एक वैक्सीन है इसकी जी डम्बोरो, वो वैक्सीन हम 11वें दिन पर इसको करवाएंगे, वो लाइव करवाएंगे, वो टैंकी में करवाते हैं, वो ऐसा नहीं होता कि वो इंजेक्ट उसका इंजेक्शन ही होता है, वो लाइव चूज़ा पानी में हम मिक्स करके दे देते हैं, जैसे ही चूज़ा पानी पीता है तो ऑलरेडी वो वैक्सीन होती है उसमें। ठीक है, ये आपने चूज़े को इकट्ठा किया, अब ये इस तरफ पार्टीशन में वैक्सीन करके छोड़ते आ रहे हैं, चूज़े को क्लोज कर किया, चूज़ा क्लोज करके इसको हम इसी लिए क्लोज कर रहे हैं कि चूज़े को पकड़ना आसान हो, जैसे ही आपको नज़र आ रहा होगा कि जैसे जैसे वो इंजेक्शन लगा रहे हैं वो चूज़ा को छोड़ दें और चूज़ा भाग रहा फ्री है उस तरफ खुलता जा रहा है। ठीक है ठीक है, ये नाज़रीन वकास भट्टी साहब का आपने थोड़ा सा इंटरव्यू सुना, इधर से चूज़ा वैक्सीन करके ये इस तरफ फेंकते जा रहे हैं और ये चूज़ा इस तरफ आता जा रहा है और यहाँ पे कुछ इंजेक्शन लगा है, इनको दर्द की वजह से रेस्ट कर रहे हैं, कुछ आते ही फीड करना शुरू कर दिया कुछ ने, ये डबल स्ट्रेस है, ड्रॉपिंग भी हो रही है और इंजेक्शन भी हो रहा है, वो पीछे लाइटिंग जल रही है पिछले पोर्शन में, वो पीछे लाइटिंग जल रही है वो हमारा दूसरा पोर्शन है, वहाँ पे चूज़ा अभी नॉर्मल है, जहाँ पे अंधेरा किया हुआ है ये चूज़ा ज़रा हमने क्लोज़ किया था ताकि पकड़ना आसान हो और इधर फेंकते रहे हैं ऐसा ऐसा, ये वैक्सीनेशन कर रहे हैं, ये इंजेक्शन लगा रहे हैं, जो पीछे बैठे हुए दोनों ड्रॉपिंग कर रहे हैं माउथ में, इस तरफ दूसरी तरफ भी बैठे हैं वो भी दिखाते हैं आपको, भी जैसे हमारे वर्कर पकड़ पकड़ के चूज़ा ला के दे रहे हैं, वैक्सीनेशन कर रहे जी नाज़रीन, आपने देखा होगा वैक्सीनेशन का मुमल, एक बंदा उसके मुंह में ड्रॉप्स डाल रहा है चूज़े के मुंह में और दूसरा बंदा इंजेक्शन लगा के दूसरी तरफ उसको छोड़ता जा रहा है, तो ये अमल इसको वैक्सीनेशन बोलते हैं इसकी, ये अभी इस गार्ड की हो रही है जो हमारे ये साथ क्लोज हुए हैं सारे चूज़े, जब इनकी वैक्सीनेशन कम्प्लीट हो जाएगी तो फिर हम इस गार्ड की वैक्सीनेशन स्टार्ट करवाएँगे, ये पोर्शन अभी खुला अपने बिल्कुल जो पोजीशन इसकी तरह थी उसमें है, फिलहाल इस पोर्शन में हमने वैक्सीनेशन का अमल शुरू किया है।
और ये तकरीबन हमारा 25,000 चूज़ है, तो उसको तकरीबन 4 घंटे का अमल है। ये अभी तकरीबन आधा घंटा हुआ है स्टार्ट हुए, और एक पोर्शन अभी बिल्कुल थोड़ा सा ही हुआ है। तो ये तकरीबन 4 घंटे का प्रोसीजर है पूरा, 6 दिन हमारे आगे अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गए। और चूज़ा हमारा बिल्कुल हेल्दी एक्टिव माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रोथ में, वाइट कलर होना शुरू हो गया इसका, ये देखें। कल जैसा कि आपको वीडियो में बताया था कि इसकी फ्लशिंग वगैरह हमने करवा दी थी, फ्लशिंग में इसके पानी में हमने चीनी मिक्स करके दी थी, जिससे इसको लूज़ मोशन लगता है, जिसकी वजह से इसकी आंतें वगैरह सारी खुल जाती हैं। ड्रॉपिंग में कहीं भी कोई किसी चूजे को प्रॉब्लम हो तो उसकी ड्रॉपिंग वगैरह भी ठीक हो जाती है, कब्ज़ वगैरह की टाइप की चीज़ें सारी रिकवर हो जाती हैं चीनी वाले पानी से। ये हमारी वैक्सीनेशन का अमल चल रहा है, इंशाल्लाह मज़ीद कोई अपडेट हुई तो इसमें आपको वो भी ऐड कर देंगे। फ़िलहाल इस वक्त तक के लिए इतना ही, हमें नहीं इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।